दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे LG के नैनोसिल टीवी के बारे में जो 2020 में आप सभी को मार्केट में देखने मिलने वाला। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ LG के नैनो 91 सीरीज के बारे में। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और इसी के साथ ही साथ मेरा फाइनल कंक्लूजन इसी टीवी को लेकर। तो सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टनाना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है या फिर बोल सकते हो इसका जो फाइनल एम है कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट की जो जानकारी दी जा रही है या फिर उसका रिव्यू किया जा रहा है वो अनबायस तरीके से किया जाए और इसी के साथ ही साथ जो आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको बचाया जाए। और अगर आप इस मिशन में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना, बस। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे LG के नैनो 91 सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट देखने मिल जाएंगे, जो एक है 55 इंच का और एक 65 इंच का। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो ये दोनों टीवी है 4K टीवी है और 4K रेजोल्यूशन के साथ आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पे जो नैनो सेल टीवी है ना, यहाँ पे आपको हर जगह नैनो नैनो देखने मिलेगा, जैसे नैनो बीजल, नैनो कलर, नैनो एक्यूरेसी, ये बहुत सारे आपको टर्म इस वीडियो में या फिर बोल सकते हो इस टीवी से जो रिलेटेड फीचर्स है सब में आपको देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे उसके कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 100 Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसी के साथ ही साथ जो यहाँ पे एक नई चीज लेके आया है, यहाँ पे VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट, जिसके थ्रू गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही अच्छा होने वाला है इसी टीवी का। बात करें यहाँ पे इसके एडिशनल स्मार्ट कैपेबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको Amazon Alexa, Google असिस्टेंट और इसी के साथ साथ Apple AirPlay 2, Apple HomeKit सभी का सपोर्ट इस टीवी में देखने मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ आपको एक वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है या फिर बोल सकते हैं एक मैजिक रिमोट मिल जाता है, और सच में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और जब मैं रिमोट की बात कर ही रहा हूं, तो यहां पे आपको कंटेंट प्रोवाइडर के डेडिकेटेड बटन भी देखने मिल जाएंगे, जहां पे Amazon Prime और Netflix और इसी के साथ ही साथ Z5 का भी डेडिकेटेड बटन आपको रिमोट में देखने मिल जाएगा। और बात कर लें यहां पे कनेक्टिविटी ऑप्शन के बारे में, तो यहां पे इस टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ आपको ER का सपोर्ट भी देखने मिलेगा इसी टीवी में, जिसको कहते हैं एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल, जिसके थ्रू ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी होने वाली है। और जब मैं बात कर ही रहा हूं ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो फिर यहाँ पे आपको साउंड आउटपुट के बारे में कैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस और इसी के साथ ही साथ ऑडियो क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए या फिर कह सकते हैं उसका एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त हो, इसके लिए यहाँ पे LG लेके आया है यहाँ पे AI अकॉस्टिक ट्यूनिंग, जिसके थ्रू अगर बैकग्राउंड में आपके घर में नॉइज है या फिर बोलते हैं ना कुछ आवाज हो रहा है, तो टीवी का जो वॉल्यूम है अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, जिसको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वॉल्यूम कम ज्यादा बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली ऑडियो को एडजस्ट कर लेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इसी टीवी की। और बात कर लें यहाँ पे इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे हमेशा की तरह LG की टीवी में आपको देखने मिलेगा LG का WebOS का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के साथ बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube, Z5 जो भी बोलो सब कुछ परफेक्टली चलने वाला, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसी बात पे एक लाइक धमाके से बनता है। इसी के साथ ही साथ आपको टीवी में देखने मिल जाएगा IPS पैनल, और IPS पैनल के थ्रू आपको जो बोलते हैं ना व्यू एंगल्स अच्छे तो होते ही है, लेकिन इस टीवी में आपको वाइड व्यू एंगल्स देखने मिलेंगे। मतलब आप टीवी के कोपचे कोपचे में बैठे हो तो फिर भी आपको बोलते ना एकदम क्लियरिटी में कोई भी पिक्चर क्वालिटी में कोई भी फर्क देखने नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि समझ लो अगर आपका रूम बड़ा है तो फिर प्रॉब्लम होती है एंगल्स को लेके, भाई इस साइड में या फिर बोलते ना उस साइड में कलर लॉस देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और जब हम यहाँ पे बात करें पैनल के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये टीवी आती है फुल एरे LED के साथ, जिसका मतलब अगर आसान भाषा में इसको समझा जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ LEDs होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें एक ही चीज की मदद मिलती है कि यहाँ पे जो एकदम बोलते हैं ना डार्क सीन्स होते हैं या फिर जो ब्लैक्स होते हैं वो बहुत ही रिच और एकदम बेहतर और एकदम सुंदर देखने मिलेंगे इसी टीवी में। और साथ ही साथ LG यहाँ पे यूज करता है अल्ट्रा ल्यूमिनेंस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू होता क्या है कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ये टेक्नोलॉजी मैनेज करती है। अच्छा ब्राइटनेस और अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको देखने मिलेगा इसी टीवी में। बात कर लें यहाँ पे इस टीवी के डिस्प्ले के बारे में, तो ये टीवी नैनो सेल डिस्प्ले के साथ तो आ ही रही है। इसी के साथ बात करें यहाँ पे HDR कैपेबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको HDR 10 प्रो का सपोर्ट है, HLG प्रो का सपोर्ट है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो नई चीज लेके आई है इस साल 2020 में LG ने, कि यहाँ पे डॉल्बी विजन नहीं, डॉल्बी विजन IQ
अब दोस्तों ये डॉल्बी विजन आईक्यू है क्या, तो यहाँ पे समझ लो अगर आसान भाषा में इसको समझा जाए, यूज करता है मेटा डेटा और रूम के एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है उसका ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस। तो ऐसा आपको लगे कि आप टीवी के एकदम बोलते ना एकदम 3D इफेक्ट आपको आ रहा है, या फिर आपको लगे कि आप टीवी के एकदम बोलते ना पूरा समा चुके उस टीवी के अंदर, ऐसा एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा इसी टीवी में। और इस डॉल्बी विजन आईक्यू के सपोर्ट से या फिर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे इस साल एलजी ने बहुत अच्छा काम किया इस टेक्नोलॉजी को लाके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस टीवी को अगर मैं समराइज करूँ तो यहाँ पे आपको नैनोसेल टेक्नोलॉजी के थ्रू पिक्चर क्वालिटी तो बहुत ज्यादा ही अच्छी मिल रही है। इसी के साथ ही साथ अगर आप गेमिंग के शौकीन हो तो यहाँ पे गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला, कोई भी लैग देखने नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी 100 Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया। इसी के साथ ही साथ आपको VRR जैसा मैंने कहा वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी इस टीवी की, यहाँ पे इसका साउंड आउटपुट, मतलब 20 W का आप साउंड आउटपुट दे रहे हो इतनी महंगी टीवी। मतलब ये टीवी आपको अभी तक एग्जैक्ट प्राइस एलजी ने हमें कोई भी अपडेट नहीं दी, लेकिन यहाँ पे जो टीवी का जो प्राइस है मान लीजिए ₹1,00,000 से लेके 1.5 लाख के तो ऊपर ही होने वाला है, इतना प्राइसिंग होगा। और इतने प्राइस में होने के बाद अगर आपको साउंड आउटपुट अगर 20 W का मिल रहा है तो बहुत कम है। अगर मैं इस टीवी को कंपेयर करूँ जो पिछले साल की टीवी थी जो SM 9000, उसमें आपको 40 W का साउंड आउटपुट मिल रहा था जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर उस टीवी में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये एक मेजर डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस अगर मैं उस टीवी को कंपेयर करूँ दोनों से, तो यहाँ पे आपको नया प्रोसेसर दिया है, 2020 में आपको Alpha 7 का Gen 3 का प्रोसेसर दिया गया, दूसरी तरफ वहाँ पे SM 9000 में आपको Gen 2 का प्रोसेसर दिया गया। तो ये एक थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस होगा दोनों टीवी अगर आप कंपेयर कर रहे हो। और दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी टीवी ले, 2019 वाली ले या फिर 2020 वाली ले, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि अगर आप पैसे डाल रहे हो तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। और वैल्यू फॉर मनी का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप टीवी लो तो कम से कम चले अच्छी खासी 4-5 साल तो चलना ही चाहिए। और पिक्चर क्वालिटी सबके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो अगर पिक्चर क्वालिटी में अगर दोनों ही टीवी को अगर सामने सामने रखा जाए तो 19-20 या फिर 18-20 का फर्क देखने मिलेगा, जो कि मुझे लगता है एक्सेप्टेबल है अगर प्राइस को कंसिडर किया जाए। इसी के साथ ही साथ देखो भाई 2020 वाली जो टीवी है डेफिनेटली 2019 से महंगी रहेगी क्योंकि वहाँ पे नया मॉडल है। एलजी हमेशा चाहेगी इस साल जो भी बिजनेस करे बहुत ज़्यादा करे एज कम्पेयर टू पिछले साल वाले रेवेन्यू से, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको प्राइसिंग ज़्यादा देखने मिलेगी किसमें, 2020 वाले में, लेकिन आप 2019 का ही मॉडल ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट में मैंने फुल टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर हो सके तो मुझे अगर उसकी बाइंग लिंक मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। इसी के साथ ही साथ बताइए कि आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में। इसी के साथ साथ कोई सवाल सुझाव कोई भी राय हो तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो सवालों को जवाब दूं। इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।